अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर खैरियत से ठीक ठाक होंगे। तो आज मैं आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त एक फेस पैक फेस मास्क लेके आई हूँ, जो आपके रिंकल्स को रिमूव करेगा, आपकी स्किन को टाइटन और वाइटन प्रोवाइड करेगा। तो इसके लिए हमें चंद चीज़ें ज़रूरत है जो आपके किचन में ही मौजूद होगी। तो गाइज़, हमें इसके लिए जो चीज़ें चाहिए वो आपके किचन में ही अवेलेबल होंगी, ना कि हम ये जो फेस पैक और फेस मास्क लेते हैं, पील ऑफ मास्क जो हम बाज़ार से लेते हैं, एक तो बहुत एक्सपेंसिव होते हैं और वो बहुत ही ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट आपके चेहरे पे छोड़ जाते हैं। वक्ती तौर पे तो आपको अच्छा रिज़ल्ट होता है, लेकिन बाद में साइड इफ़ेक्ट्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो क्यों ना हम नेचुरल चीज़ों से फ़ायदा उठाएँ। कुदरती चीज़ें जो अल्लाह पाक ने हमें दी अता की हैं, उनमें से हम ऐसी चीज़ें ऐड करें इसमें जो आपकी स्किन को साइड इफ़ेक्ट भी कोई ना हो और रिज़ल्ट भी 100% दे। तो सबके सबसे पहले हमने इसमें आटा डाला है, आटा या फिर बेसन आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 टेबल स्पून 1 पिंच सैंडलवुड पाउडर डाला है इसके अंदर। सैंडलवुड पाउडर आपकी स्किन को ग्लो देगा और इसके पे जो मौजूद होते हैं ज़रात, वो आपके दाने रिमूव करेगा, छाइयाँ दूर करेगा। मुल्तानी मिट्टी हमने 1/2 टेबल स्पून इसमें ऐड की है, मतलब 1 टीस्पून के बराबर हम इसमें ऐड करेंगे। उसके बाद आप कोई भी क्रीम इसमें ऐड कर सकते हैं। मैंने फाइज़ा ब्यूटी क्रीम इसमें ऐड की है, आप कोई भी ब्यूटी क्रीम आप इसमें फेयर एंड लवली भी यूज़ कर सकते हैं, बेबी लोशन भी यूज़ कर सकते हैं। 1/2 टीस्पून इसमें हम 1/2 टीस्पून के बराबर हम इसमें ये क्रीम ऐड करेंगे, बहुत ही ज़बरदस्त रिज़ल्ट देगा आपको इंशाल्लाह। आप हफ्ते में एक बार ये पील ऑफ मास्क इस्तेमाल करें और आप रिंकल फ्री फेस आपका रिंकल फ्री स्किन आपको मिल जाएगी, ना कि हम कोई भी ये बाजारी जो यूज़ करते हैं। इसमें हम ये एक ऐड करेंगे वाइटनिंग कैप्सूल 1 ऐड करेंगे। विटामिन ई कैप्सूल भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। तो वाइटनिंग कैप्सूल हम इसमें ऐड करेंगे। उसके बाद कोई भी अच्छा सा पील ऑफ मास्क जो आपके पास अवेलेबल हो, तो मेरे पास ये बॉलीवुड पील ऑफ मास्क था, तो आप ये दराज से भी ले सकते हैं, ये मुश्किल से निकल रहा था। तो इसमें 2 टेबल स्पून पील ऑफ मास्क ऐड करना है। इसमें ये पील ऑफ मास्क भी बिल्कुल नेचुरल है, इसमें कोई ऐसी स्टेरॉइड नहीं है जो आपकी स्किन के लिए हार्मफुल हो, तो बिल्कुल ये भी नेचुरल है, आप ये यूज़ कर सकते हैं। पील ऑफ मास्क अगर आपके पास नहीं है तो आप वैसे भी इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, या ही सारी चीज़ों के अंदर रॉ मिल्क इस्तेमाल कर मिक्स करके आप लगा सकते हैं, दही में मिक्स करके आप लगा सकते हैं, रोज़ वाटर में आप मिक्स करके लगा सकते हैं। पील ऑफ मास्क के अंदर हमने इन चीज़ों को अच्छे से मिक्स करना है, इतना मिक्स करना है ताकि ये बैटर बिल्कुल क्रीमी टेक्सचर में आ जाए। ये देखिए, मिक्स करते करते आराम से आपने अच्छे से मिक्स करना है, ताकि चीज़ें आपस में यकजान हो जाएँ। ऐसी कुदरती चीज़ें हैं जो आपकी स्किन को वाइटनिंग टाइटन प्रोवाइड करेगी, नेचुरली ग्लो। ज़रूरी नहीं है कि आप जो गोरा चिट्टा ही होना है, लेकिन आपकी स्किन पुरकशिश हो, आपकी स्किन के पे एक कशिश होने चाहिए, साफ फ्लॉलेस स्किन हो, स्किन शाइन कर रही हो, तो इससे बेहतर मैं तो समझती हूँ कुछ नहीं होता। तो ना कि हमारी आवाम स्किन वाइट करने के होता है कि हमारा जो रंग गोरा हो जाए, हम सबसे अलग नज़र आएँ। आप अगर स्किन ग्लो करेगी, पुरकशिश होगी, तो भी आप सबसे अलग ही नज़र आएंगे इंशाल्लाह। तो हम इसे 15 मिनट के लिए अप्लाई करेंगे, अपने फेस पे आप इस्तेमाल करें, नेक पे इस्तेमाल करें, हाथों पे इस्तेमाल करें, तो उसके बाद हम ये आसानी से पील ऑफ हो जाएगा। बिल्कुल ये जब खुश्क हो जाएगा ना, आसानी से पील ऑफ हो जाएगा। और इसका एक और सबसे अच्छा ये है कि सबसे अच्छी बात मुझे इसकी ये लगी है कि मैंने जब ये इसे इस्तेमाल किया, जो मेरे बाल थे इस चेहरे पे, छोटे छोटे जो बाल होते हैं ना, वो भी इससे उतर आए थे। ये पील ऑफ मास्क, मतलब आप इसे हफ्ते में एक बार इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह आपकी बाल और आपकी स्किन बिल्कुल शाइनी हो जाएगी। बाल बिल्कुल जी छोटे छोटे जो रुआ हो जाता है टीनेजर लड़कियों के लिए, और वो भी इसे रिमूव हो जाएंगे। और फ्रेश वाटर से आप इसे बाद में धो लीजिएगा जब ये खुश्क हो जाए। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो भी पसंद आई होगी। अगली वीडियो तक के लिए मुझे दे